हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ही है। प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल। यहां पर भी हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसी नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव किया था कि इसको रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एक इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस से 3+2√5 इज रैशनल। हमने ये नंबर को क्या मान लिया है, क्या अज्यूम कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर होगा तो इसके क्या फैक्टर्स निकलेंगे? 3+2√5 = a/b, यानी को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आएगा। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि रूट फाइव को अकेला कर देंगे। रूट फाइव को हम क्यों अकेला कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि रूट फाइव की जो वैल्यू है वो है एक इरेशनल, रूट फाइव की जो वैल्यू है वो है एक इरेशनल नंबर। तो रूट फाइव को हम अकेला कर रहे हैं यहां पर। सो 2√5 = a/b प्लस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 a/b -3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, अगर इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 1/2 × a/b -3। अब यहां पर रूट फाइव है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर रूट फाइव है, इसका मतलब कि ये इक्वल टू के साइड में राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, 1/2 × a/b -3 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये नंबर भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट फाइव जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो रूट फाइव एक इरेशनल, इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यहां पर हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन। और इसी बातों को हमने लिखा हुआ है यहां पर, देयरफॉर रूट फाइव इज रैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। अभी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। हेंस आवर अजम्पशन दैट 3+2√5 इज रैशनल इज फॉल्स। 3+2√5 को जो हम रैशनल मान रहे थे वो एक्चुअली गलत हो गया है। अब वो गलत हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 3+2√5 इज इरेशनल नंबर, और यही बात को हमें प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग।